नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और इस चमचमाती सड़क को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अभी मैं इस वक्त कहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि हवाई अड्डा से सीधे तेलमचो ब्रिज जाने वाले रोड में मैं अभी खड़ी हूँ और बोकारो वासियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और सिर्फ एक नहीं, दो दो खुशखबरी मिलने वाली है। और पहली खुशखबरी मैं बता दूँ कि हवाई अड्डा से लेकर तेलमचो ब्रिज को 4 लेन बनाने की बात कही जा रही है और इसको लेकर जो है लगातार चर्चाएं चल रही है कि सड़क को जो आप देख रहे हैं इसको 4 लेन बना दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी भी मौजूद है। शर्मा जी, ये जो चमचमाती सड़क देख रहे हैं इसे 4 लेन बनाने की जिक्र हो रही है, आप भी इससे वाकिफ है? कई दिनों से हम अखबार में देख रहे हैं, मीडिया सूत्रों से हमको पता चल रहा है कि इसको 4 लेन बनाई जाएगी। बिल्कुल प्रियंका, जैसा बड़ी खुशखबरी है बोकारो वासियों के लिए कि झारखंड सरकार ने दो 4 लेन की सौगात बोकारो को एक बार फिर देने की कोशिश की है और इससे लेकर कवायद जारी है, काम चल रहा है। जो प्राधिकरण है वहाँ पर काम चल रहा है और जो सरकार है वो भी अपने स्तर से काम कर रही है। और ये जो हवाई अड्डा चौक से जिसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर तेलमोचो सड़क तक इसको 4 लेन बनाने जा रही है सरकार। हालांकि इसमें कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं, उस सुझाव को देने के बाद इस पूरे सड़क को 4 लेन सड़क में तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद बोकारो की जो खूबसूरती है एक बार फिर इस खूबसूरती में 4 चांद लगने जा रहा है। और जो ट्रैफिक की समस्या है, कहा जाता है कि ये जो पुरानी सड़क है इसमें बड़ी गाड़ियों को आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इस सड़क की जो महत्व है वो बढ़ी हुई है। और उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है और उसकी वजह से प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है और जल्द ही आपको ये खुशखबरी मिलने जा रही है प्रियंका कि ये जो 4 लेन सड़क है इसको बोकारो को सौगात देने का काम झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही है। जी बिल्कुल। और दूसरी खुशखबरी अब मैं अपने दर्शकों को सुना दूं कि दूसरी खुशखबरी ये है कि दूसरा 4 लेन, एक और 4 लेन मिलने जा रहा है बोकारो में। और कहा जा रहा है कि आसार जताए जा रहे हैं कि ITI मोड़ से लेकर उकरीद मोड़ तक इस 4 लेन बनाया जाएगा। और बिल्कुल, ITI मोड़ से लेकर उकरीद मोड़ तक की सड़क को भी 4 लेन बनाने की सहमति उस सड़क पर हो गई है प्रियंका। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उसमें सहमति दे दी है कि इस सड़क को 4 लेन बना दिया जाए। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है कि ये जो सड़क आप देख रही हैं हवाई अड्डा चौक से लेकर जो तेलमोचो ब्रिज तक है, इस सड़क को भी 4 लेन बनाने की कवायद चल रही है और थोड़े बहुत सुझाव के बाद मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रस्ताव को भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है, बोकारो वासी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस खूबसूरत सड़क को 4 लेन में तब्दील करेंगे। हालांकि इस सड़क की खासियत यह है कि बोकारो को जोड़ने का काम ये सड़क करती है, बोकारो के सभी सेक्टर्स को इसमें जोड़ने का काम ये सड़क करती है और इसकी खूबसूरती हमेशा बनी रही है। 4 चांद लगा रहा है, इसकी साफ़ सफाई आप देख सकते कि इतनी खूबसूरत सड़क बोकारो में बाकी हिस्सों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार का निर्णय है, जो प्राधिकरण है सड़क बनाने वाले प्राधिकरण, उनका निर्णय है कि इस सड़क को 4 लेन बनाया जाए ताकि जो ट्रैफिक की बात कही जा रही है सीधे यहाँ से आप तेलमोचो होते हुए धनबाद जाए, उसके लिए इसको स्वीकृति देने की कवायद चल रही है। बिल्कुल, वापस आपसे जुड़ेंगे शर्मा जी। लेकिन हमारे साथ अभी एक व्यक्ति भी मौजूद है, जब हमें ये न्यूज़ करते हुए देखे, इस सड़क की बात करते हुए देखे तो यहाँ पर पहुँचे अपनी ओपिनियन रखने के लिए, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दो 4 लेन मिलने जा रहा है और बोकारो को, तो कैसा लगता है आपको, कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा है, लेकिन हो जाए तब ना। कागज में तो बहुत दिन से ये दिखा रहा है, आज तो कागज में भी दिखा रहा है। मेरा नाम दिनेश सिंह है, हम कांग्रेसी नेता हम भी है, ठीक ना? तो ये तो बन जाए तब ना, ये बन जाए तो जनता के लिए तो बहुत अच्छा होगा। इधर तो जाना मुश्किल है, और उकरीद मोड़ वाला तो वो तो बनेगा ही, वो तो मानता आ जा रहा है कि ITI मोड़ से उकरीद मोड़ तक और यहाँ एयरपोर्ट चौक से तेलमचो तक बनाया जाए। हाँ, क्या सुविधाएं बोकारो को मिलेगी अगर ये रोड बन जाता? अच्छा हो जाएगा। किस सेंस में अच्छा हो जाएगा? सेंस में, चास में जाम नहीं लगेगा और इधर जाने में, धनबाद जाने में नजदीक होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि एक कहीं ना कहीं जो है राहत पहुंचेगी बोकारो वासियों को, ये 2 4 लेन अगर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि पेपर में तो बहुत बार आते हैं, लिखित रूप में बहुत बार आते हैं, लेकिन अगर सड़क बन जाए तो बहुत ही सुविधा मिलेगी। और हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सड़क है इसकी जो खूबसूरती है उससे हम सभी वाकिफ है, लगातार बोकारो वासी इससे गुजरते होंगे, तो ये सड़क देखकर क्या लगता है कि क्या इसकी निर्माण की जरूरत थी? क्योंकि ये पहले से ही मुझे 4 लेन जैसा
जैसा दिखाई देता है और टाइम टू टाइम जो है BSL के द्वारा इसका सौंदर्यीकरण भी होता रहता है, इसकी मरम्मत होती है, यहाँ झाड़ू लगाया जाता है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साथ ही जो है लगातार कभी ना कभी पेंट होते ही रहते हैं। तो क्या इस सड़क को बनाने की ज़रूरत थी? प्रियंका, खूबसूरत सड़क है और इस सड़क की महत्ता मैं इसीलिए बता रही हूँ कि इस सड़क, यह जो सड़क है यह पूरे बोकारो को जोड़ने का काम करती है और हवाई अड्डा से सीधे जोड़ती है, क्योंकि जितने भी VIP जाते हैं इसी हवाई अड्डा में उतरते हैं और उम्मीद जताई जा रही कि ये हवाई अड्डा भी जल्द ही शुरू होगा। उससे देखते हुए भी इस सड़क का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है कि यहाँ से सीधे लोग धनबाद जाएंगे, दूसरे जगह पे जाएंगे, आसपास के ज़िलों में जाएंगे, चाहे बंगाल के ज़िलों की बात करें, पुरुलिया की बात करें, आसनसोल की बात करें, दुर्गापुर की बात करें, या फिर हमारे इधर गिरिडीह की बात करें, या दुमका तक की बात करें, तो इसके लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट सड़क बन जाएगी। हालांकि इसको एक और दृष्टिकोण से सूत्र की माने तो कहा जा रहा है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण की वजह से भी इस सड़क पर इतनी माथापच्ची चल रही है, जिसकी वजह से इस सड़क को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और इसको 4 लेन में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका, अब यह व्यावसायिक दृष्टिकोण किसके लिए फ़ायदेमंद है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क को जब सरकार की तरफ से लिस्ट में डाल दिया गया है, 4 लेन बनाने की बात चल रही है, तो इसको आप बता दो कि 11.065 किलोमीटर का ये जो सड़क है इसके लिए कुल 63.69 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है और जो सुझाव आएंगे उस सुझाव को देखने के बाद पूरे प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा, उसके बाद इस सड़क की किस्मत खुलेगी और इसे 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। प्रियंका जी, बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी तो है ही, लेकिन साथ ही राहत की भी बात है पूरे बोकारो वासियों के लिए, क्योंकि अभी हम एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं और जब एयरपोर्ट भी नया बन रहा है और रोड भी जब नई चमचमाती 4 लेन बन जाएगी जो कि तेलमच्छों तक जुड़ेगी, साथ ही जो है ITI मोड़ से लेकर उकरीद मोड़ तक अगर रोड बना दी जाएगी तो एक बहुत ही राहत मिलेगी लोगों को और आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।